सद्गुरुदेव भगवान के आने पर महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में श्री कागभूषण जी महाराज जब उठकर प्रणाम नहीं किए तो भगवान शिव को आवेश आ गया। भगवान शिव ने गुरुदेव भगवान का अपराध करने के कारण से वसुंड जी को 10,000 वर्ष तक सर्प योनि में जाने के लिए शापित कर दिया। गुरुदेव भगवान श्री वैदिक मुनि जी जब भगवान शिव का यह दारुण शाप सुने तो हाहाकार करके भगवान महाकालेश्वर के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये तो बालक है, बालक का अपराध अपराध नहीं होता, अबोधता में ऐसा कर गए, बस तो आप कृपा करें और इनके इस अपराध को क्षमा करें, इनके इस अपराध को क्षमा करें, यहाँ ये पंक्तियाँ देखिए, गुरुदेव भगवान क्या व्यवहार करते हैं। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जो करि दंडवत सप्रेम द्विज सन्मुख कर जो विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति गज गज स्वर समुझि घोर गति नमामि शमीशान निराकार मोका
गिरीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो संकाश गौरम गभीरम मनोभूत को श्री शरीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सुरन मौलिकल चारु गंगा सुरन रसद भाल बाले दुकन छे भुजंग चल कुंडलम रोसुने त्रम विशालम चल प्रसन्नाननम् नीलकण्ठम् दयालम् प्रसन्नाननम् नीलकण्ठम् दयालम् मृगा चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथं भजामि प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं
अखंडम मजम भानुकोटि प्रकाशम अखंडम मजम भानुकोटि प्रकाशम त्रय पाणिम त्रय शूलनम शूल पाणिम भजे अहम भवानी पतिम भावगम भजे भवानी पतिम भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सज्जनानंद दाता पुराणी सदा सज्जनानंद दाता पुराणी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नया तुमानाथ पादार पापनाशम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि
अहम् सदा सर्वदा शम्भोतोऽभ्यं नतो कमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति